सर, जो पिछली बार आपने एमएलए साहब से मुलाकात की थी उसके बारे में कई चर्चा चली कि आप क्या वो मिले, क्या वो बात हुई आपके बीच में, तो उसका कारण क्या था मिलने का, आप मिल के क्या किए? बसवा कल्याण ये सबसे बड़ा टूरिज्म प्लेस बनने वाला है। हमने जब भारतीय जनता पार्टी में थे, जब हमने रिकमेंडेशन करे थे गवर्नमेंट को कि जो अनुभव मंडप बनाने जा रहे, वो अनुभव मंडप में 770 शरणा, जो पुराने शरण लोगों का, जो अंबिका चौड़ैया, नूली चंदैया, ऐसे शरण लोगों का जो हिस्ट्री अनुभव मंडप कहाँ है वो चेक करो और उसका इतिहास लो और अनुभव मंडप बनाओ बोल के रिक्वेस्ट करे थे। आपके सपने हमारे अपने, न्यू ओशल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वो लेटर देने के लिए मैंने गया था, उसके बाद साथ साथ 27 खेड़े में हमारे पास जो एरिया खंडाला है, गवर है, गुत्ती है, मिर्कल है, ऐसे 27 खेड़े में टोटल 25,000 एकड़ ये एरिया में जो एत नीरावरी बोल के जो प्रोजेक्ट है, पहले हम लोग प्रोजेक्ट लाए थे कि 15 तालाब भरने का कार्यक्रम, ऐसा ये टोटल 15 खेड़े विलेज कवर होने का कार्यक्रम है। 25,000 एकड़ को बेनिफिट होता है, 1.5 लाख लोगों को जो किसान हैं उनको बेनिफिट होता है। ये 648 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाओ बोल के डीएस होता कटिल साहब आए जब, वैसा ही बसवा कल्याण और अहमदाबाद 20 किलोमीटर का फासला है, एक रेलवे लाइन डालना, रेलवे स्टेशन बनाना बोल के जब नरेंद्र कुमार कटिल साहब आए थे, हमने उनको रिक्वेस्ट करे थे। और स्पेशल एक मेडिकल कॉलेज बसवा कल्याण को, शराना नाडू डिग्री कॉलेज एडमिशन्स आर ओपन फॉर बीए एंड बीकॉम, हरी अप। बॉर्डर एरिया है बोल के हमने मेडिकल मिनिस्टर को भी लेटर दिए है, सीएम साहब को भी दिए है, क्योंकि एरिया में एक मेडिकल कॉलेज जरूरी है। वैसा ही हमने जब जगदीश शेटर साहब आए थे बीदर को, इंडस्ट्रियल एरिया में, इस एरिया में हमारे माता, मेरे बहन लोग सभी लेडीज एक इंडस्ट्रियल का काम करते, छोटे छोटे उनके खाना पीने का सामान बनाने का इंडस्ट्रीज है, उस लिए 50 एकड़ महिला अकमा देवी इंडस्ट्रियल पार्क 50 एकड़ में बनाओ बोल के रिक्वेस्ट डाले सो है। वैसा ही यूजीडी जब बसवा कल्याण में अनुभव मंडप के बारे में मीटिंग कर रही हूँ कि 100 करोड़ रुपए सिटी के अंदर डेवलपमेंट देते, लेकिन उससे पहला हम मुख्यमंत्री जी को, येडियुरप्पा साहब को और सिद्धरामैया साहब को जब 120 करोड़ रुपए का अंडरग्राउंड ड्रेन बनाओ, पानी जो भी बारिश का पानी आता है वो जब तक पानी ड्रेन में नहीं जाता है जब तक हम डेवलपमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं बोल के, वो भी रिकमेंडेशन था। और डिसेबल लोगों का, जो अंग विकल लोग हैं उनके लिए 3,000 मकान दो बोल के हमने रिक्वेस्ट करे सो था, वो भी सेंक्शन हो क्या है। बसवा कल्याण में सर्कल पुलिस स्टेशन रूरल वाला जो वो बिल्डिंग के लिए 1 करोड़ रुपए दो बोल के हमने रिक्वेस्ट करे सो था। वैसा ही हमारे एरिया में और एक क्या है बसवा कल्याण में, ये त्रिप्रांत में गवी मठा में यात्रिक निवास बनाए सो था 50 लाख रुपए देके, वो अभी थोड़ा इनकम्प्लीट है, अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो एमएलए जी को बताएंगे, क्योंकि स्वामी जी का वहाँ लोग आते। साथ साथ एक बसवा कल्याण में महिला लोगों को, महिला पुलिस स्टेशन नहीं है, जो पुलिस स्टेशन है वो जेंट्स पुलिस स्टेशन है, एक महिला पुलिस स्टेशन अर्जेंट सेंक्शन कराओ बोल के रिकमेंडेशन लेके गए थे। ये सभी डेवलपमेंट में हम कभी भी एमएलए को बसवा कल्याण के सपोर्ट और अभिवृद्धि का विचार बात करने के लिए गए थे। वहाँ क्या हो गया थोड़ा, नहीं अंदर क्या बात कर गया ऐसा कुछ नहीं, हम लोग डेवलपमेंट का बहुत दिन से उनका हमारा डिस्कस हो गया था। बसवा कल्याण को जो डेवलपमेंट करते कॉरपोरेटर गंदे, तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री कौन भी हो, मैं जरूर उनको सपोर्ट करूँगा। लोगों में विचार चल रहा है कि आप बीजेपी फिर से ज्वाइन होने वाले हैं, क्या ये कहाँ तक सही है? देखिए मेरे को तो बीजेपी से उन्होंने सस्पेंड करे, बसवा कल्याण में बसवा कल्याण का कैंडिडेट नहीं दिए थे, इसलिए तो मैंने हक के बसवा कल्याण के हक में चुनाव इंडिपेंडेंट लड़े सो हूँ, बंडाया अभ्यर्थी। अभी तो मेरा कोई सोच नहीं है, अभी एक ही बसवा कल्याण में जो डेवलपमेंट नहीं होगा हक मांगने का काम करूँगा। सर ये जो आपने जितने सारे लेटर दिए थे एमएलए साहब से मिलने के लिए, फिर पब्लिक को और मीडिया को अंदर आने नहीं दिया सर? नहीं वो क्या हो सकता? नहीं वो उनको आप पूछिए, कुछ कंफ्यूज हुआ होगा, हम आते ही आप मीडिया वाले आए क्या, तो
प्रॉब्लम होएगा ऐसा उन्होंने कुछ कन्फ्यूज हुए होंगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था कि एकदम क्लियर डिस्कशन था सब लोगों के बीच में, हमने बात करी। पब्लिक की नजर में आपके ऊपर है कि आप कौन सी पार्टी में आने वाले दिनों में जाएंगे, तो उस बारे में आपका क्या? नहीं, अभी तो देखो मैं बसों कल्याण का हक के लिए जब तक जान है, जब तक लड़ूंगा, जब तक इस गांव में रहूंगा, तो लोगों का विचारधारा लेके आगे का सोच, जिस पार्टी में जाना है, क्या हो गए, मेरे को भी एक दुख क्या है, इस गांव में लड़ने वाले लोग मिलते हैं क्या दूसरे भाग से ला के? अभी बीजेपी में तो दिए, जीत के आए, अभी और कौन सी पार्टी में क्या होता है भगवान जाने। मेरा जब तक जान है, जब तक मैं बसों कल्याण के लिए, मेरे को दो बार बसों कल्याण की जनता ने MLA बनाए, मैं हक के लिए लड़ूंगा।